हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आप फेसबुक स्टोरी पर स्वाइप अप में अपनी लिंक को ऐड करना है, लगाना है, स्वाइप अप को लगाना है, कैसे करेंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप जो है स्वाइप अप में अपनी लिंक को ऐड कर सकते हैं फेसबुक स्टोरी में, लेकिन कैसे करेंगे तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फेसबुक को ओपन करेंगे एंड जैसे कि आप यहाँ पर क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको कोई भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपने कोई भी वीडियो को ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें लिंक को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले लिंक को ऐड करना है। तो क्या करना है, सी मोर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक का, इसमें आपको लिंक को ऐड करना है। तो माना कि मैं इंस्टाग्राम की लिंक को ऐड कर लेता हूँ या फिर कोई भी वीडियो की या फिर इंस्टाग्राम की। तो मैं इंस्टाग्राम पर चला जाता हूँ, प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल एंड कॉपी लिंक, कॉपी कर लिया लिंक। यहाँ पर क्या करना है, उस लिंक को आपको पेस्ट करना है एंड फिर ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ऐड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ऐड कर दिया। आपको देखना है कि ऐड हुई नहीं हुई लिंक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सी मोर पर वापस क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर दिखाएगा लिंक एडेड, देखने को मिल रहेगा ये। अब आपको क्या करना है, स्वाइप अप का लगाना है। तो स्वाइप अप का कैसे लगाएंगे, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको स्वाइप अप का लगाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टिकर पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिया एंड स्टिकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जी आई एफ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको स्वाइप अप और सर्च कर देंगे। जितना इंटरनेट फास्ट होगा उतनी जल्दी यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएंगे स्वाइप अप के जी आई एफ। अब यहाँ पर स्वाइप अप देखने को मिल गए गाइस। अब आपको यहाँ पर कोई भी स्वाइप अप को लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो इसको पहले उस पर क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आपको अपने हिसाब से साइज में एडजस्ट कर सकते हैं, कर दिया एंड इसको आपको शेयर कर देंगे, और शेयर करेंगे तो शेयर टू फेसबुक ओनली या फिर इंस्टाग्राम पे भी करना चाहे कर सकते हैं, कर दिया एंड इस पर क्लिक करेंगे। अब ये अपलोड होने है, जैसे अपलोड हो जाएगी, जैसे कोई स्वाइप अप पर क्लिक करेगा एंड वो जो लिंक आई थी वो देखने को मिल जाएगी एंड उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके जरिए वो डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम पर चला जाएगा या कोई भी वीडियो को अगर आप करेंगे तो उस पर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है स्वाइप अप लिंक को ऐड कर सकते हैं फेसबुक स्टोरी में, जो मैंने बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।